इंदौर में भाजपा प्रत्याशी को लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है, क्योंकि यहां पर पैराशूट लैंडिंग की बात सामने आने के बाद शहर के अधिकतर बीजेपी नेताओं ने पार्टी हेडक्वार्टर का रुख किया। इसमें सांसद शंकर लालवानी भी शामिल थे, जिन्होंने बताया कि पार्टी एकता के सूत्र में बंधी है। हम लोगों ने पार्टी आलाकमान के सामने हमारी रणनीति साफ कर दी है कि पार्टी जिस भी व्यक्ति को आम राय बनने के बाद टिकट देगी, सभी नेता उसके साथ लगकर भाजपा को जिताने में जुट जाएंगे। इन्हीं मुद्दों को लेकर सांसद शंकर लालवानी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता राकेश शर्मा ने। इंदौर महापौर को लेकर अब चर्चा हो रही है कि किसका नाम फाइनल होगा। आज राजधानी भोपाल के प्रदेश भाजपा कार्यालय में एक अहम बैठक हुई है। मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं इंदौर सांसद श्री शंकर लालवानी जी। सर, इंदौर महापौर को लेकर चर्चा हुई है, एकता की बात की जाए, एकता की सूत्र, एकता की मिसाल की, सर क्या रहेगा सर इस बार, क्या एकता दिखाई देगी सर? इंदौर के चुनाव को लेकर बहुत ही अच्छी स्थिति में है और हम इंदौर में एक नया इतिहास बनाने जा रहे हैं। इंदौर में भारतीय जनता पार्टी का परचम रहेगा, भारतीय जनता पार्टी की परिषद रहेगी और भारतीय जनता पार्टी के महापौर प्रचंड बहुमत से जीतेगा। लेकिन सर एकता दिखाई देगी सर क्या? बिल्कुल, हम सब साथ में हैं, कोई ऐसा नहीं, सब मिलके लड़ेंगे और भारी मतों से जीतेंगे। सर अभी जो बैठक हुई है लगभग आधे घंटे, क्या किसी नाम पे सहमति बनती दिखाई दी है सर? देखिए, नाम तो संगठन तय करता है, हम तो रणनीति किस प्रकार से चुनाव लड़ना उसकी रणनीति को लेकर चर्चा कर रहे हैं। कोई नाम रखा गया सर अभी इस बैठक में? देखो, ये संगठन तय करता है, इसमें हमारा विषय नहीं है, ये संगठन का विषय है। संगठन नाम जो तय करेगा वो बहुमत से वहाँ जीतेगा। तो सर आप मानते हैं कि स्थानीय प्रत्याशी पर ही जोर रहेगा सर? देखिए, जो संगठन तय करेगा वो उस पर पूरी भारतीय जनता पार्टी एकजुट से प्रचंड बहुमत से इतिहास बनाएगी इंदौर में। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद से इंदौर के सांसद श्री शंकर लालवानी जी। कहना है कि बीजेपी संगठन जो नाम तय करेगा उसी पर इंदौर का जो संगठन है वो मोहर लगाएगा और साथ में एक नया इतिहास रचेगा। भोपाल से बीजेपी सुशील यादव के साथ राकेश शर्मा, MP News TV भोपाल।